वार्ड नंबर 48 की पार्षद कुमारी कल्पना की गिरफ्तारी के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भागलपुर के कई पार्षदों ने वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर उन्हें जल्द रिहा करने की मांग की है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने कहा है कि जांच चल रही है, जल्द साक्ष्य सामने आएंगे, दोषियों पर विधि सम्बद्ध कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवक को कुछ लोग मिलकर बिजली के पोल में बांध कर जाति सूचक भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उसकी पिटाई कर रहे थे। इस युवक की पहचान वार्ड नंबर 48 के रहने वाले कमल ताती के रूप में हुई, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में कराया गया। कमल ताती का पारिवारिक रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसी बाबत पार्षद और गांव के कुछ गणमान्य लोगों के बीच आम सभा रखी गई थी। उस आम सभा के निर्णय से कमल ताती काफी नाखुश था, जिससे वह गुस्से में आकर पार्षद को गाली गलौज भी कर दिया था। कमल ताती के द्वारा गाली गलौज करना पार्षद को गवारा नहीं हुआ और उसने कमल ताती को अपने कुछ लोगों से बिजली के पोल में बंधवा कर पिटवा डाला। इसको लेकर कमल ताती ने SC/ST एक्ट के तहत मुख्य आरोपी वार्ड नंबर 48 की पार्षद कुमारी कल्पना, उसके बेटे, उसके पति, उसके सहयोगी और अज्ञात 10 लोगों को नामजद बनाकर इसाकचक थाने में केस किया था। उसी बाबत वार्ड 48 की पार्षद कुमारी कल्पना और उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी कल यानी 9 जुलाई रविवार को तकरीबन शाम के 5 बजे की गई। वार्ड नंबर 48 की पार्षद कुमारी कल्पना को जब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो गांव वाले आक्रोश हो गए। उसके चलते इसाकचक थाना CIT और बजरा की टीम ने हल्का बल प्रयोग करते हुए वार्ड पार्षद और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया था, जिसको लेकर उस गांव की कुछ महिलाओं ने SSP कार्यालय का घेराव भी किया था और सड़क को भी जाम कर दिया था। सड़क जाम करने वालों पर भी पुलिस ने कई अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की है। इसी बाबत भागलपुर के कई वार्ड पार्षद वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंचे और पुलिसिया कार्रवाई का विरोध करते हुए सभी पार्षदों ने मिलकर कुमारी कल्पना को जल्द बरी करने के लिए आवेदन दिया है। वार्ड पार्षद प्रीति शेखर ने बताया कि वार्ड पार्षद को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, यह तरीका कहीं से सही नहीं है। हम लोगों ने वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को आवेदन दिया है और वार्ड पार्षद कुमारी कल्पना को जल्द रिहा करने की मांग की है, जिसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने भी कहा है कि जल्द इस पर जांच कराई जाएगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो निर्दोष है उसे बरी किया जाएगा। कल हमारी जो माननीय पार्षद है कुमारी कल्पना जी वार्ड संख्या 48 की, उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उस गिरफ्तारी का जो कारण है वो और जिस प्रकार से गिरफ्तारी की गई है वो बिल्कुल अनुचित है और इसी संबंध में हम लोग उस गिरफ्तारी की पूरी जांच और जो उचित कार्रवाई करने के अनुरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। पूरा मामला यह है कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो जनप्रतिनिधि होने के नाते आए दिन आम जनता जनप्रतिनिधि के पास अपनी पंचायती करवाने के लिए, अपनी समस्या के समाधान के लिए उनके दरवाजे पर जाते हैं, उनके पास जाते हैं और इस क्रम में कई लोगों के साथ जब दो पक्ष होते हैं तो वाजिब है कि किसी एक के पक्ष में होता है, किसी एक के विपक्ष में ही फैसला होता है। तो जो कमल तांती नाम का जो युवक है उनके वो उस फैसले से नाखुश हो गए और नाखुश होकर वो माननीय पार्षद के खिलाफ उन आपत्तिजनक टिप्पणियाँ वो सार्वजनिक करने लगे। इस बात की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो स्वयं कमल तांती की पत्नी ने कुमारी कल्पना जी को भेजा और जब उन्होंने सुना और जब सामने से पूरी समाज से चर्चाएँ आने लगी तो वो बहुत आहत हुई और आहत होकर उन्होंने संबंधित जो थाना को फ़ोन किया और सब सूचना दी कि हमारे साथ ऐसी ऐसी बात हो रही है, एक अमुक व्यक्ति हमारे साथ इस ढंग से गाली गलौज और अमर्यादित टिप्पणियाँ कर रहे हैं, आप उस पर कानूनी कार्रवाई करिए। लेकिन ये उनके बोलने के बावजूद भी कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई, बल्कि कुछ दिनों के बाद जब वो स्वयं अपने घर पर पार्षद के पास पुनः हो गए और उसी क्रम में जब वो पार्षद और आम जनता के द्वारा उनको बैठा कर रखा गया कि आप रुकिए थाना को फ़ोन करते हैं, वो आपको ले यहाँ से इसको यहाँ से लेकर जाएगी पुलिस, उसी क्रम में जब वो भागने लगे तो कोई किसी के द्वारा उसे बांध दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद जब दूसरे दिन अचानक से पुलिस आती है और कुमारी कल्पना जी को गिरफ्तार करके जो वहाँ पर जो कर्मी है पुलिसकर्मी वो बिल्कुल घसीटते हुए ढंग से ले जाने लगता है कि कोई बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी है। हम ये कहना चाहते हैं बगल में यदि आपने देखा होगा कि सैंडिस कंपाउंड के स्विमिंग पूल में एक युवक की डूबने से मौत हो गई, उस पर भी FIR हुआ, तो उस पर तो कहाँ कोई कार्रवाई हुई, कोई नहीं पकड़े गए हैं और पंचायती के क्रम में किसी के नाखुश होने से और उस व्यक्ति झूठा SC/ST का केस लगा दे पार्षद जनप्रतिनिधि पर और उस पर अब तुरंत कार्रवाई करते हैं, वो भी इस अमर्यादित ढंग से उनको ले जाते हैं, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसी के विरोध में, इसी के आक्रोश में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम लोग SSP महोदय से मिले, बहुत ही सकारात्मक वार्ता हुई, उन्होंने हम लोगों को भरोसा दिया है कि इसकी उचित जांच होगी और जो भी दोषी हों उस पर कार्रवाई की जाएगी, इस पर उन्होंने हमें जांच का भरोसा दिलाया है।
अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सलून लुक सलून। लुक सलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं। तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सलून अपने इनॉग्रल ऑफर्स के तहत सभी प्रकार की सर्विसेज पर 34% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। भागलपुर नगर निगम ने एक विशेष पहल की है जिसमें शहर की 50 महिलाओं को टोटो रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण लाजपत पार्क के मैदान में प्रशिक्षक सुबोध तांती के द्वारा दिया जा रहा है, जिससे वो लोग अपने आप में सबल, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनेगी। गौरतलब है कि इन 50 महिलाओं को टोटो रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। अब वो बहुत जल्द भागलपुर के हर वार्ड में सफाई कर्मियों के साथ नजर आएंगी। इस काम से महिलाओं में काफी आत्मनिर्भरता देखी जा रही है। वहीं 50 महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षक सुबोध ताती ने बताया कि सभी महिलाओं ने अच्छे ढंग से टोटो चलाने का प्रशिक्षण लिया है। वो बहुत जल्द शहर के हर वार्ड में टोटो चलाती हुई नजर आएंगी और महिलाएं अपने इस कार्य से काफी खुश नजर आ रही हैं। वहीं भागलपुर नया बाजार सखीचंद घाट की रहने वाली रजनी ने कहा कि यह सरकार की अच्छी योजना है, इसमें महिलाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, इसमें हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हम लोगों ने प्रशिक्षण ले लिया है, अब हम लोग जल्द सड़क पर उतरेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि घर के लोगों का काफी सपोर्ट है, अब लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। बहुत अच्छी योजना सरकार निकाली हुए है महिलाओं के लिए, बहुत अच्छी योजना है ये, इसमें सभी को भाग लेना चाहिए। इसे ये होता है कि महिला भी है ना, अब अपने पे आत्मनिर्भर हो सकता है, तो इस पे हम लोग को आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। और हम लोग यहाँ पे अभी 25 मतलब ले चुके हैं, 25 महिला जो है ना ट्रेनिंग ले चुके हैं और अब जो है सड़क पे हम लोग भी उतरने वाले हैं, तो इसलिए हम इसके लिए नगर निगम का बहुत बहुत आभारी है, शुक्रिया अदा करते हैं जो कि हम लोग को आत्मनिर्भर होने का रास्ता दिखाए हैं। सो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और घर से कोई परेशानी? कुछ नहीं, परेशानी क्या, बहुत अच्छी बात है। उन जो घर के गार्जियन है वो भी बोले कि नहीं बहुत अच्छी काम है, करना चाहिए। आजकल महिला और स्त्री पुरुष में कुछ अंतर नहीं है। कैसा लग रहा है? किसका गाड़ी है? नगर निगम का है। तो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं? पहले क्या करते थे? ड्राइवर का ट्रेनिंग है महिला लोग का, नगर निगम की तरफ से है, ठीक है ना। हम इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेरा नाम है सुबोध तांती, ठीक है। 50 महिला को ट्रेनिंग देना है। क्या काम होगा इससे? इसे ड्राइवरी करेगी, हर वार्ड में दिया जाएगा इसको एक कर्मचारी के साथ। पति बीमार था, बचने की उम्मीद नहीं थी। महादेव से मन्नत मांगी कि दंड देते हुए सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम जाएंगे और अब सावन में दंड देते हुए बाबा वैद्यनाथ की यात्रा पर निकली है। यह कहानी बिहार शरीफ की सुधा सिन्हा की है। सुधा सिन्हा पहली बार साष्टांग दंडवत होते हुए वैद्यनाथ धाम जा रही है, उनके साथ उनके पति भी है। 4 जुलाई को सुधा सिन्हा ने सुल्तानगंज से जल लिया था और 10 किलोमीटर की दूरी अभी तक उन्होंने तय की है। वो कच्ची कांवरिया पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। दरअसल सुधा के पति नरेश सिन्हा को हेपेटाइटिस बी हो गया था, वो लगातार बीमार रह रहे थे। डॉक्टर ने उनके बचने की उम्मीद नहीं जताई थी। इसके बाद सुधा ने भोलेनाथ से मन्नत मांगी कि अगर उनका पति स्वस्थ होते हैं तो वो दंड देते हुए वैद्यनाथ धाम जाएगी। इसके बाद इस वर्ष सावन में सुधा सिंह यात्रा पर निकली है।
सुधा के पति नरेश अपनी पत्नी को मिसाल मानते हैं। नरेश कहते हैं कि उनके बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन महादेव से उनकी पत्नी ने कामना की थी तो महादेव ने उनकी सुनी और कामना पूरी कर दी। आपको बता दें, सावन के महीने में खासकर महादेव को रिझाने के लिए तीन तरह के कांवरिया श्रद्धालु सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम जाते हैं। एक सामान्य बम होते हैं, एक डाक बम तो एक डंडी बम होते हैं। सबसे कष्टप्रद यात्रा डंडी बम की होती है। यह डंडी बम 1.5 से 2 महीने में वैद्यनाथ धाम पहुँचते हैं। हस्बैंड को हेपेटाइटिस बी हो गया था, इनको दिल्ली में इलाज में एम्स में भी बोल रहा था कि अब इसका कोई भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। हम लोग बोला क्या क्या आदेश था, हम लोग खूब काने रोए पटके, अचानक हम गश दिए कि भोला बाबा दीजिए, हम पति को बचा दीजिए, हम धन्यवाद देंगे। तो इतना कष्ट परेशानी हो रही है, धीरे धीरे घट जाएगा भोला, इतना विश्वास दिए हैं, वही देते हैं, वही देते हैं। कब निकले थे सुल्तानगंज से? 4-5 तारीख को निकले, 9-10 बजे भी हो गया था, बचने की चांस नहीं थी। बिहार स्ट्रीट में दिखाए थे डॉक्टर भी, वो जवाब दे दिए, मैं कोमा में चला गया था। पटना गया पुरजी हॉस्पिटल में, वहाँ 1.5-2 महीना रहा, वहाँ भी कोमा में और चला गया। मैं खाता पीता कुछ नहीं था, एकदम सोए हुए रहता था, चलने का तो कोई बात ही नहीं थी, पूरा कोमा में थे, कुछ समझ नहीं, हम सोए हुए रहते थे। मैं मेरे वाइफ को वहाँ जवाब दिया कि दिल्ली ले जाइए, फिर किसी तरह उड़त थी मेरे को दिल्ली ले गए, दिल्ली में वहाँ एम्स में गए, एम्स में इलाज चलते रहा, कुछ पता नहीं चला, रोते रहते थे। डॉक्टर बोला कि बेटी हम खा नहीं सकते जब तक कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ये गच्छे बोलते हैं उसके बाद 10 दिन के बाद से हमको हालत एक आधा पैसा की सुधार में, तब डॉक्टर बोला कि बेटी तुम्हारा पति आ जाएगा, बच जाएगा, सुधार हो गया हालत में। हो गया तो वही अब में हमें बोले कि हम गच्छे थे, तुमसे बहुत अच्छी बात है, अपने बाबा का गच्छे अब ठीक है पूरी तरह से? हाँ अभी ठीक है, हम चल रहे हैं, कमजोरी है, डॉक्टर बोला था कि आते रहना, जाते रहते। पत्नी वही कामना की थी? हाँ जी हाँ। भागलपुर के अमडंडा थाना प्रभारी रवि कुमार के द्वारा नवंबर महीने में शराब के साथ पकड़ाई स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त करने के बाद गाड़ी का प्रयोग उनके द्वारा किए जाने की खबर दिखाए जाने के बाद गाड़ी मालिक के भाई कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने अधिवक्ताओं से बात कर थाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज कराने को लेकर कवायद शुरू कर दी है। गाड़ी मालिक के भाई का कहना है कि थाना प्रभारी ने कल शाम गाड़ी की चाबी और खुला हुआ नंबर प्लेट उनके घर पर आकर फेंक दिया और धमकी दी कि किसी को कुछ नहीं बताना, नहीं तो तुम्हें दूसरे केस में फंसा दिया जाएगा। गाड़ी मालिक के भाई का कहना है कि पहले भी गाड़ी यूज करने को लेकर जब वो लोग थाना प्रभारी से ऐसा नहीं करने की बात कहते थे तो उनके द्वारा डांट फटकार कर भगा दिया जाता था। वहीं लोगों का आरोप है कि थाना प्रभारी के द्वारा अपने यूज में लाने के साथ साथ भाड़ा पर भी गाड़ी लगाई जाती थी, जिसको लेकर ये लोग CGM कोर्ट में मामला दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री और बिहार के DGP से ऐसे थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे हैं। वहीं इस मसले पर सीनियर SP शहर में नहीं रहने के कारण उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। 20 नवंबर 2022 को गाड़ी पकड़ाई थी, उसके बाद मेरा भाई और एक और मेरा भाई चचेरा भाई दोनों पकड़ाए थे। क्या नाम था दोनों का? रौनक कुमार और एक का सुदर्शन कुमार। उसका क्या हुआ, क्या चीज में पकड़ाया? वो दारू था गाड़ी में, दारू के लिए पकड़ाया था। कौन गाड़ी थी? स्कॉर्पियो था। उसका क्या हुआ? उसके बाद वो दोनों को पकड़ के जेल भेज दिया गया। उसके बाद 5 महीना के बाद उसको मतलब रिलीज पे छोड़ा गया, बेल हुआ। और उसके बाद मेरी जो थानेदार साहब हैं अपना गाड़ी यूज कर रहे थे, भाड़ा पे लगाते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, अपना यूज कर रहे हैं पर्सनल में, भागलपुर जाते थे उधर अपना क्षेत्र घूरते थे हर जगह, मतलब अपना घर भी पर्सनल लेके चल जाते थे। मेरा नाम हुआ कुंदन कुमार, मेरा घर हुआ डोभी, अमदंडा थाना के बगले में गाँव है। कल हम आए थे कचहरी, मेरा भी काम था, तो हम देखे कि रवि बाबू जो है अमदंडा थाना प्रभारी बहुत परेशान नजर आ रहे थे। जो बाड़े दारू में गाड़ी पकड़ाया था तो रवि कुमार उसका यूज कर रहा था, तो वो देखे कि मेरा दोस्त का गाड़ी था स्कॉर्पियो, हम भी पहचान लिए कि ये तो मेरा रौनक भाई का गाड़ी है, खरारा घर था, तो हम देखे कि भाई तो रौनक भैया का गाड़ी है, तो गाड़ी जब्त था थाना में, तो ये दरोगा अपने मनमानी से गाड़ी चला रहा था, भाड़ा भी लगाता था और अपना यूज करने के लिए कहीं ससुराल जाता था, अपना घर जाता था, क्षेत्र घूमता था, कल गवाह के लिए आया था यहाँ पर भी भागलपुर। तब आप लोग जब खबर चलाएं उसके बाद गया चाबी और नंबर प्लेट ओनर के घर पे जाकर के बेच के चला गया और धमकी भी दिया घर पे कि अगर किसी को बोलेगा तो हम आप लोग को जान से मरवा देंगे और भी अलग केस करवा देंगे, इसलिए किसी को मत बताना।
क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं कि दरोगा बहुत ही मनमानी तरीके से वहाँ हर आदमी को टॉर्चर करता है, बहुत गलत कर रहा है, अपने आप को ही जो है ना समझ रहा हम प्रधानमंत्री हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। अभी तक आपने जलाभिषेक या रुद्राभिषेक का आयोजन देवी देवताओं के लिए सुना और देखा होगा, लेकिन बिहार के भागलपुर में देश के मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से जलाभिषेक किया गया। सावन के पहले सोमवार को गंगा स्नान के बाद किसी ने शंकर भगवान का रूप धारण किया तो कोई भरत माता बनकर जलाभिषेक में शामिल हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे सावन में हर सोमवार को शहर के लगभग सभी शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन करने की मनोकामना को लेकर भाजपा भागलपुर शाखा के द्वारा 0 माइल स्थित जिच्छो के शिवालय में हजारों भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जलाभिषेक किया। इस जलाभिषेक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को लेकर जमकर लोगों ने नारेबाजी की, साथ ही हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे भी लगाए। कार्यक्रम की शुरुआत में भागलपुर के बरारे स्थित पुल घाट से हजारों की संख्या में महिला पुरुष बच्चों ने जल भरा और पैदल चलकर 0 माइल स्थित जिच्छो के शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा भागलपुर जिला के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शाह, कार्यक्रम के संयोजक मंजीत सिंह ने इस जलाभिषेक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भक्ति और देशभक्ति के साथ अध्यात्म जुड़ा हुआ है, और जब तक धर्म नहीं जुड़ा होगा राजनीति में तो अधर्म हो जाता है, अधर्मी लोगों का राज रहा जिसके कारण भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गरीबी ये लगातार रही। और जब से मोदी जी 14 से आए हैं देश तरक्की उन्नति कर रहा है, सामरिक रूप से उन्नति कर रहा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अब कोरोना के समय अगर देश को किसी ने बचाया तो भगवान बनकर जो देता है वो देवता होता है। जिसने सुई दी, जिसने अनाज दिया, जिसने किसानों को सम्मान दिया, जिसने महिलाओं को सम्मान दिया, युवाओं को सम्मान दिया, और उसके लिए पुनः भारत के लोधीपुर में जिछो में और इनके नेतृत्व में दीपक सिंह मंजीत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार और यह पूरा समाज मोदी जी के लिए पुनः एक बार मोदी सरकार फिर एक बार भाजपा सरकार 400 बार यह नारा के साथ हम लोग पूजन कर रहे हैं। इसमें यह कार्यक्रम हो रहा है और मेरे लिए मेरा मतलब क्या कहें, हमको तो भरोसा नहीं हो रहा है, इतना बढ़िया प्रोग्राम आज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पूरा कार्यकर्ता भागलपुर का यहाँ मौजूद है अभी इस वक्त, पूरा समाज जितना, और इतना सुंदर कार्यक्रम लगातार, वैसे ये 8 साल से लगातार ये कार्यक्रम यहाँ पे होता रहा है। विशेष रूप से इस बार मोदी जी के लिए 2025 के लिए, मोदी जी के लिए क्या, हम सब अपने लिए कर रहे हैं, 2025 फिर से हम सबका राज हो, 24 में यहाँ। और एक सवाल है आपसे, मोदी जी का नाम क्यों आया इसमें भारतीय जनता पार्टी? मोदी जी का नाम क्यों नहीं आएगा? पूरे देश तो क्या मतलब अंतर्राष्ट्रीय लीडर हो चुके हैं ये, और अंतर्राष्ट्रीय लीडर जब हो गए सामरिक विषय पर आर्थिक विषय पर इतना मजबूत कर दिया है देश को, इतना मजबूत कर दिया है कि आज के डेट में 24 निकालने दीजिए ना, 24 जब निकल जाएगा ना उसके बाद समझ में आएगा देश किस दिशा में जा रहा है। और मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा जो इन्हीं के नेतृत्व में हो सकता है। देखिए यह एक स्वरूप है बाबा भोलेनाथ का, क्योंकि पूरा देश भोले बाबा नाथ के सानिध्य में आगे बढ़ रहा है, और हमेशा देखते हैं कि मोदी जी भोला जी के, भोला भगवान के भरोसा के भक्त हैं, और भारत पूरे विश्व में सुंदरी को अग्रसर है, और जिसमें मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में भारत को मिला जिससे पूरा भारत पूरे विश्व में छा रहा है।
सावन की पहली सोमवारी है, जिसको लेकर अहले सुबह से ही भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सभी शिवालयों में सुबह से ही बोल बम के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान होने लगा। भागलपुर के बाबा बृहदेश्वर नाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, भूतनाथ मंदिर, मनोस्कामना नाथ मंदिर, पिपले धाम मंदिर से लेकर सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ खचाखच भरी हुई थी। सबके हाथ में फूल, बेलपत्र और गंगा जल थे। सावन की पहली सोमवारी को लेकर अहले सुबह से ही बाबा के भक्त पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंचते रहे। सबों ने बाबा की पूजा अर्चना की। भक्त जहां बाबा से घर परिवार सहित राज्य और देश की सुख समृद्धि की मांग कर रहे थे, वहीं छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई को लेकर बाबा से गुहार लगा रहे थे। पहली सोमवारी को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं लाइन में लगाकर भक्तों को मंदिर के अंदर प्रवेश कराया जा रहा था। भागलपुर के सुल्तानगंज में अजगेवीनाथ नगरी में शिव भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिव मंदिर के शिवालय में गंगा जल चढ़ाते हुए मनोकामना पूजा की। श्रावणी मेला की पहली सोमवारी को लेकर बिहार, झारखंड, बंगाल, नेपाल सहित आसपास के हजारों शिव भक्त एवं कांवरियों ने अजगेवीनाथ धाम के उत्तरवाहिनी गंगा घाट में हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों के साथ गंगा में डुबकी लगाई। वहीं शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी गंगा जल लेकर अजगेवीनाथ मंदिर सहित अन्य जगहों के शिव के मंदिरों में स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जीवन में सुख शांति की कामना की। साथ ही हजारों कांवरियों ने उत्तरवाहिनी गंगा जल लेकर देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने पैदल व वाहन से बोलबम हर महादेव के जयकारों के साथ रवाना हुए। वहीं जिला प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाएं शिव भक्त कांवरियों के लिए किया गया है। सावन की पहली सोमवारी पर गंगा स्नान करने व वैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं से उत्तरवाहिनी गंगा पट पड़ा। रात के 12 बजे से ही काफी संख्या में गंगा में स्नान कर श्रद्धालु वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे थे। सुल्तानगंज गंगा तट केसरियामय हो चुका है। प्रशासन की ओर से गंगा नदी में SDRF व नाविक की तैनाती की गई, साथ ही गंगा में बैरिकेडिंग भी की गई। वहीं सुल्तानगंज घाट पर पुलिस बलों की तैनाती भी की गई। आज करीब 1,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं के वैद्यनाथ धाम जाने की संभावना है। वहीं सोमवार को लेकर गंगा स्नान के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय लोग गंगा स्नान कर उपवास करते हैं। आज के दिन गंगा स्नान और उपवास का बड़ा ही महत्व माना जाता है। सावन का सोमवार आने पर शिवलिंग में बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल, दूध, सफेद चंदन, अक्षत आदि अर्पित किया जाता है। कहा जाता है इस दिन बेलपत्र पर सफेद चंदन से राम राम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सावन महीने के सोमवार पर उपवास करने पर मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। भागलपुर जिला शतरंज संघ के तत्वाधान में इंपैक्ट एकेडमी मिर्जान हाट में एक दिवसीय रैपिड इंपैक्ट एकेडमी ओपन चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। आयोजन कुणाल कुमार राय के नेतृत्व में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता के निर्णायक कुणाल कुमार राय ने बताया कि 6 चरणों के समापन के बाद शुभम कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वहीं दिलमोहन ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जबकि तीसरे स्थान पर अनुपम कुमार, चौथे स्थान पर विश्वबंधु उपाध्याय और पांचवें स्थान पर संयुक्त रूप से राहुल कुमार, हेमंत कुमार मिश्रा, रवि कुमार, आदित्य सम्राट, अभिषेक कुमार और निगम मिश्रा, अजय कुमार मिश्रा तथा विवेक चंद्रा संयुक्त रूप से रहे। विजेता को यामाहा शोरूम के निदेशक रूबी अग्रवाल द्वारा चांदी का चाबी गुच्छ प्रदान किया गया तथा 1 से 5 स्थान तक के प्रतिभागियों को ट्रॉफी और सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट तथा मेडल से सम्मानित किया गया। प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को आगामी जिला राज्य सीनियर प्रतियोगिता जो 16 जुलाई को समस्तीपुर में आयोजित होने वाला है, वो लोग भागलपुर जिला शतरंज संघ का नेतृत्व करेंगे। प्रतियोगिता में कुल 36 खिलाड़ियों ने शिरकत किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन इंपैक्ट एकेडमी की पूरी टीम परीक्षित शर्मा, सोनू कुमार, गौतम कुमार, सुमित कुमार तथा सुदर्शन कुमार ने पारंपरिक तरीके से मोहरा चलकर किया। उन्होंने बताया कि शतरंज एक मानसिक चेतना और बौद्धिक विकास का खेल है, जिसमें व्यक्ति अपने चतुरता से खेलता है। समापन समारोह सह पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व उप महापौर राजेश वर्मा, CA प्रदीप झुनझुनवाला, संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, सचिव अजय कुमार मिश्रा ने पुरस्कार वितरण कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, साथ ही साथ उनके उत्तम भविष्य की कामना की और शतरंज के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में अध्यक्ष ने आने वाले समय में अंचल स्तरीय प्रतियोगिता कराने की संभावना व्यक्त की। मौके पर विश्वबिंदु उपाध्याय, शुभम, अंकित कुमार मिश्रा, निगम मिश्रा, अमित कुमार झा, हेमंत मिश्रा सहित अन्य मौजूद थे।
नाथनगर के मधुसूदनपुर थाने से फरार अपराधी को पुलिस ने दो दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अपराधी किशन यादव उर्फ घुट्टर को पुलिस ने नाथनगर के बाबूटोला के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किशन यादव के ऊपर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है। गौरतलब है कि बाइक चोरी के आरोप में पुलिस ने किशन यादव को दो दिन पहले गिरफ्तार किया था, लेकिन उसी दिन शौच का बहाना बनाकर किशन यादव हाजत से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने एक विशेष टीम गठित कर दो दिन बाद नाथनगर के बाबू टोला से उसे गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र के ओगरी गांव में पोखर में डूबने से 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक बालक की पहचान ओगरी गांव के भवेश कुमार के पुत्र ऋषभ कुमार के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि कल देर शाम मृतक बालक की मां खेत पर जा रही थी तो वो उसके पीछे पड़ गया और किसी तरह पोखर में जा पहुंचा। थोड़ी देर बाद घर वालों ने ऋषभ की खोजबीन की तब वो पोखर में दिखा, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में पास के अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं कहलगांव थाना ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।